बुलंदी की उड़ान पर हो तो ज़रा सब्र रख कर हवा में उड़ो। परिंदे बताते हैं कि आसमान में ठिकाने नहीं होते। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। सियासी अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का खैर मकदम और स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको इस चैनल के माध्यम से एक ऐसी वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो बहुत ही हैरान कुन वीडियो है। गुजरात चुनाव में बूथों पर हुई बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेनी चाहिए और इसकी जांच कराई जानी चाहिए। इस वीडियो को देखने से पहले एक छोटी सी अपील है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी दबाएँ ताकि हर न्यूज़ और हर अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलती रहे। रावपुरा में 281 बूथ हैं। 281 बूथों पे एक घंटे में 16,000 वोट पड़ गए, मतलब एक मिनट में 57 वोट। आप कैलकुलेट कीजिए कैसे संभव है। ना कोई बाहर लाइन लगी हुई, ना अफरा तफरी, लेकिन इतने वोट वहां पड़े। ऐसे ही वीवीपैट्स की तुलना कुछ मशीनों पे की तो एक तुलना, अभी मैं जिनसे फोन पे बात कर रहा था वो बता रहे थे, मैं आपको वो आंकड़ा देता हूं कि कांग्रेस की उसमें वोट वहां 7 पड़े एक पार्टी को, वीवीपैट में 21 बार पर्ची निकली उस पार्टी की, आप जानते हो कौन सी पार्टी। तो ऐसे उदाहरण हम इकट्ठे कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। ये जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए थे उस वक्त भी एक ऐसा बूथ था, धोलका नाम का बूथ था, जहां 644 वोट पड़े थे और गिने तो निकले 2273 वोट। ये नया मॉडल आ रहा है, इच्छाधारी वोट। साहब ने इच्छा कर ली, वोट पड़ गए। लोगों की जरूरत नहीं है, मशीनों की जरूरत नहीं है, वोटर की जरूरत नहीं है, पत्रकारों की तो जरूरत है ही नहीं, विपक्ष की जरूरत तो आप जानते हैं खत्म हो ही रही है, करना ही चाह रहे हैं ये लोग, विपक्ष मुक्त भारत बना ही रहे हैं। लेकिन ये जो चुनाव मुक्त भारत हो रहा है, लोकतंत्र मुक्त भारत हो रहा है, इस विषय में हम और आपको गंभीरता से आवाज उठानी होगी।